परिणामों को झेलने के लिए। अब परमात्मा की शक्तियां धीरे धीरे सक्रिय हो रही हैं और आज की तारीख में पूरे विश्व में ऐसे ही साधक साधिका चाहिए जो ये समझते हो कि पाप और पुण्य क्या है, कौन आज षड्यंत्र कर रहा है। आज उनकी सख्त जरूरत है और आज ऐसे सारे जागरूक साधक साधिकाओं के आक्रोश और क्रोध की अत्यंत आवश्यकता है। जो भी देश विदेश के लोग इन बातों को समझ पा रहे हो या ट्रांसलेशन के जरिए जान रहे हो तो तैयार हो जाइए। अब डब्बू बनकर या डर कर रहने का समय नहीं है। बाहर आइए, अपने क्रोध को बाहर निकालिए, पोस्ट लिखिए, मैसेज भेजिए, समाज में जागरूकता फैलाइए, साधना में उतरे रहिए, कनेक्टेड रहिए सिस्टर हार्ट से और माँ से प्रार्थना करते रहिए, सारी संहारक शक्तियों से प्रार्थना करते रहिए, इन नरकों का, इन नरक में रहने वाले कीड़ों का जो आज मानव के रूप में आ गए हैं, मानव जाति को खा रहे हैं दीमक की तरह, इन सब को खत्म कर दीजिए। प्रार्थना करते हैं हम सभी, ये सब कीड़े मकोड़े हैं नरक में रहने वाले जो मानव देह के रूप में आज आके दिखाई दे रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं मानव जाति को। इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो बहन, चिंता की कोई बात नहीं। श्री माता जी ने कहा है ना, याद कीजिए दिवाली पूजा नोएडा में, श्री माता जी ने कहा ना, आप सत्य पे खड़े होइए, आपकी मां आपके साथ है, आप गलत कामों का विरोध कीजिए, आपकी मां आपके साथ है, आप परमात्मा की पुलिस हैं, ये बोला है ना श्री माता जी ने। बस डरने की क्या बात है, देखा जाएगा। अब जब मौत का तांडव चारों तरफ हो ही रहा है और कोई भी मर सकता है तो फिर डरे डरे क्यों रहे। अब डरने का नंबर तो इनका है, हम क्यों डरे। इनको पता ही नहीं है कि मौत का साया इनके ऊपर कितनी तेजी से मंडराने लगा है। ये सर उठा के देख नहीं पा रहे हैं ना, इनकी खोपड़ी पे सवार है मौत का साया, कुछ दिन बाद दिखने लग जाएगा। जो गड्ढा इन्होंने मानव जाति के लिए खोदा था, ये तो उसी खाई में मानव जाति के लिए इन्होंने गड्ढा खोदा और इनके लिए तो बड़ी गहरी गहरी खाइयां खुद गई हैं इनके कुकर्मों के कारण। होने वाला है इनका समापन समारोह। हाँ, इतना जरूर है, पहले ये लोग चरम सीमा पे जाकर तकलीफ देंगे, उसके बाद बस काम खत्म हो जाएगा। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, निर्भयता के दामन थामिए और अपने क्रोध और अपने आक्रोश और अपने रोष को निरंतर बनाए रखिए। मां की ऊर्जा के साथ इस क्रोध आक्रोश और रोष को मिला दीजिए सहस्त्रार हृदय में, और यही ऊर्जा जब क्रोध के साथ मिलेगी ना, तो इन महादुष्टों का संहार करना प्रारंभ हो जाएगा। हाँ जी, और बताइए, न जाने कहां से आज इतना वो दे रही हैं श्री माता जी। बोलिए, आज तो अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं ना कहूं कुछ, अंदर से आए तो कह नहीं सकता दोबारा, लेकिन अभी फिलहाल एक प्रवाह गया जी। बोलिए, आप सब लोग, ऐसा लग रहा है तो आपके जरिए नहीं, ऐसा लग रहा है हम सबका आक्रोश आपके जरिए निकल रहा है, हम सबका भी आक्रोश जो है अंदर से वो आपके जरिए फूट पड़ रहा है आज। कलेक्टिव का एक तो चैनल बन ही जाता है ना। यही तो कलेक्टिव का महत्व है, यही तो कलेक्टिव की ब्यूटी है। ऐसी कलेक्टिव की ही तो श्री माता जी ने कामना की थी,
एक ऐसी कलेक्टिव तैयार हो विश्व में जो नकारात्मकताओं से संघर्ष करने के लिए तैयार हो और पूरी तरह निर्लिप्त हो, समर्पित हो, निर्भय हो और तीव्र इच्छा से युक्त हो, इस धरती पे स्वर्ग बनाने की स्थापना की तीव्र इच्छा से युक्त हो, ऐसी कला कलेक्टिव की तो शिवा ने कामना की है। तो यही है बात। हाँ जी, अभी तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ कहना चाहते हैं आज अपने अनुभव बता दीजिए। आज के काल में जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये सबके बहुत काम आने वाली है। आप सबकी बातें बड़ी महत्वपूर्ण होंगी आज की तारीख में। आइए आइए, ये एक हवन चल रहा है, हवन, शुद्धिकरण का हवन। आ जाओ, शामिल हो जाओ इस हवन में सहस्त्रार में जो हवन चलता है ना, वो हमारी अशुद्धियों को नष्ट करने के लिए होता है। लेकिन जो हृदय में इतना बड़ा दावानल चल रहा है ना, ये वैश्विक स्तर की जो नकारात्मकताएं हैं उनको स्वाहा करने के लिए है। आओ, इस सारे मिलके इस हवन में शामिल होते हैं और अपनी धरा को इन महादुष्टों से मुक्त करने के लिए आह्वान करते हैं। ऐसा ही हवन भैया आज चला था हृदय में, जब आपने वो कराया था ना वर्क, तो हृदय और सहस्त्रार में ऐसा लग रहा था अग्नि निकल रही है बहुत तेजी से, ज्वालाएं निकलनी चाहिए, निकल रही है। निकलनी चाहिए। जसलीन, जसलीन शामिल हो, सो गई यहाँ पे हूँ मैं। हाँ हो जी, हाँ जी, तुम्हारी तबीयत ठीक है अब? हाँ थोड़ा सा शेकी हो रहा था छींकों शेकी, पर, शेकी मतलब? वो स्टेरॉइड से थोड़ा सा वीक लग रहा था। कोई बात नहीं, ये तो उसका एक प्रोसेस है। टेंशन ना लो, शिमादाई शक्तियां हैं तुम्हारे साथ में। अभी हमारी देखो ना, शशि बहन ने कितनी सुंदर सुंदर बातें बताई हैं। सुन रही थी उनका। अच्छा ये बताओ, ऐसा एक मिनट सामने आ जाओ, सामने बाकी लोग भी तुम्हें सामने देख के बड़ा आ सकती हो क्या? अगर अगर नहीं उठ पा रही हो तो, अगर उठ नहीं पा रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं ठीक हूँ मैं आज, ठीक। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ जी, ये बताओ, ऐसा तो नहीं लग रहा कि मरने वरने वाली हो, बता दो जरा है? अच्छा, जब से तुम्हारी तबीयत खराब हुई है तब से तुम्हें लग रहा था, कभी कभी लगा कि मैं मर जाऊंगी? बता दो ईमानदारी से, ऑनेस्टी से बताना। और ये बातें सबके लिए बहुत काम की होने वाली हैं, सबके लिए बहुत काम की। जो सच्चे अनुभव है ना, जैसा भी लगे बताओ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल एवरीवन। दो तीन बार ऐसा हुआ जैसे ऐसे लग रहा था कि बहुत ज्यादा हो रहा है, झेल नहीं पा रही हूं मैं। एक दिन तो ऐसा हुआ है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन था, वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो मतलब वॉशरूम कैसे जाऊंगी, ये तो बढ़ गया, ऐसे तो मैं नहीं चल पा रही। ऐसे वाले एक दो बारी में ऐसा हुआ था। हाँ, फिर क्या हुआ? अपने अनुभव, ये वाले अनुभव बताओ, बड़े इंटरेस्टिंग और बहुत महत्वपूर्ण अनुभव है ये, पता है? तुम आप सब लोग जो अपने इस प्रकार के अनुभव बताओगे ना, पता नहीं कितने हमारे सच्चे साधक साधिकाओं को जीवन मिल जाएगा। इट इज सो इम्पोर्टेंट। फिर एक दिन मंडे रात को ऐसा हुआ कि फीवर बहुत तेज था, बहुत ज्यादा गर्म और एकदम आप
अच्छा नहीं लग रहा था, तो वेरी हाई फीवर, तो तब मुझे ऐसे ही लग रहा था, क्योंकि अभी कोरोना का तो एवरीवेयर बहुत ज्यादा बूम है, तो यही सोची थी कि हाँ इसमें तो लोग मर रहे हैं ना, इसमें मर भी सकते हैं। फिर यही मतलब बुखार में ही चल रहा था, अच्छा अभी अगर मर जाऊंगी तो फिर कैसे होगा, फिर यही चाहता, अच्छा ऐसी अगर मर जाऊंगी फिर बाद में अंदर, फिर आया कि हाँ ठीक है मर भी तो सकते हैं, मर मतलब वी कैन डाई आउट ऑफ इट। फिर एक कॉन्वर्सेशन अंदर चल रहा था कि पर हाँ अभी तो अटेंड नहीं किया ना मैंने, तो वो फ्रीडम अटेंड नहीं की, चेतना की, अभी तो हम लोग चल ही रहे रास्ते में, और यही थॉट के साथ ना मैं सो गई। जब मैं दोबारा से उठी फिर वही आया, वही वही वाला कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है मुझे मरना हुआ तो मर ही जाऊंगी ना, मैं ये थॉट के साथ भी नहीं अटैच हो सकती कि मेरी अभी ग्रोथ नहीं हुई या मैंने अभी कुछ पाना है, अगर मेरा टाइम आ गया और मुझे मरना है तो आई विल गो, मतलब इस तरीके से एक कॉन्वर्सेशन हुआ, ये चल रहा था एक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उसका फिर क्या निकला अंदर, कंक्लूजन क्या निकला इन थॉट्स का? डिटैचमेंट तो फील किया, पर ये वाला जो इसमें जो डिटैचमेंट था ये ग्रोथ से भी नहीं है, आप अपने से भी हट गए। और इतने दिन से जैसे हमने डेथ की एक्सपीरियंसेस की बात की, मेडिटेशन किया, ऐसे बात करते थे मर जाएंगे, तो अब जब हालांकि फीवर ही है पर फिर भी ऐसे लग रहा है हाँ मर सकते हैं इसमें, इसमें भी मर सकते हैं, फिर तब अपने अंदर फील किया कि अब कैसा फील हो रहा है, लाइक यू आर फेस टू फेस, तो अब क्या फील हो रहा है, अब आगे क्या चल रहा है, तो ये सारी चीजों में और डिटैचमेंट ही फील हुआ कि हाँ कहने वाली बात नहीं है, ये होता है, और मतलब मरना तो है ही है, हमने हम आज भी अभी भी मर सकते हैं, तो हमारी क्या तैयारी है। और इस तरीके से इंट्रोस्पेक्शन एंड नोइंग योर सेल्फ कि आप क्या चाह रहे हो, क्या सोच रहे हो, किस तरीके से। तो ये सारी चीजें, बातें अंदर अंदर करके तुमको कैसा महसूस हुआ बाद में? When you go through all such things, तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ? जसलीन, जसलीन, तब अच्छा लगा, हाँ जी हाँ हाँ जी मैं सुन हाँ रही हूँ, हाँ कैसा लगा? मैं ऐसे ही मैं अपने आप को देख, जब मैं बहुत ज्यादा तेज फीवर हो जाता है या ऐसे होता है तो मैं अपने आप को देख ही रही होती हूँ कि अच्छा अब क्यों ऐसा हो रहा है, अब क्या फील हो रहा है, अब ये फील हो रहा हाँ है, आई फील लाइक दैट। फिर जैसे मैंने जैसे ये वाला देखा कि मुझे मेरी ग्रोथ नहीं हुई, अच्छा फिर मुझे ग्रोथ वाली चीज से भी नहीं अटकना, ये समझ में आता है कि हम कहाँ, ये वाले थॉट से भी नहीं हमें अटकना, अगर हम आज फ्री हो रहे हैं तो हम उस चीज को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। फिर आपसे भी मेरी बात हुई थी तो आपने भी मुझे मतलब उठने के लिए है, ग्रो किया है, करने में हेल्प की, जैसे आपने कहा ना अच्छा मर गई अभी मर जाओगी तो क्या करोगी, फिर तुम काम करना ना उठ के, ये सब काम करना, लोगों को प्रेरणा देना ध्यान के लिए, करप्शन के अगेंस्ट में फाइट करना, चेतनावान की यही सब काम करना इनकम्प्लीट। तो फिर मैं सरप्राइज हो रही थी, मैंने कहा अच्छा मेरी वो स्थिति आ गई है, अब मैं ऐसा कर पाऊंगी। चलो फिर मैं फ्री हो गई, मैंने कहा चलो अब मुझे वो नहीं है कि मैं डेथ के बाद क्या होगा, ये होगा ये होगा, ये सब ड्रामा नहीं रहेगा, लाइक आई नो व्हाट आई हैव टू डू और एक चीज बता नाउ। दूं, एक चीज बता दूं आप सबको, यदि मृत्यु के समय, मृत्यु के हमारे प्राण निकलने वाले हैं, श्री माता जी का सानिध्य हमें मिल रहा है और हमारे अंदर ये भाव आ रहे हैं, अरे भाई ये शरीर छोड़ दे ना, काम पे लग जाएंगे, ये पूरे विश्व के जो दुष्ट है ना, इनको ठिकाने लगाना है, तो यकीन जानिए अगला जो चरण मिलेगा ना आपको, आपकी चेतना का अगला जो चरण होगा ना, शरीर रहित अवस्था का, यकीन जानिए माँ आदि शक्ति आपको काम देने वाली है। यदि मृत्यु के काल में आप, दहशत होगी आपके अंदर, डरे सहमे से होंगे, चिंता होगी हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तो फिर आपको काम नहीं मिलेगा। मैं ये रहस्य की बात
आपके सामने खोल रहा हूं। मृत्यु के समय पे, मृत्यु के काल में, इसके लिए एक शब्द बोलूंगा मृत्यु काल के लिए, जैसी मति वैसी गति। समझ लीजिए इस बात को, उस काल में जैसी मति होगी हमारी, अगला जीवन का चरण भी फिर हमें वैसा ही मिलेगा। अब ये रहस्य को तो मुझे आपको इसलिए बताना पड़ा क्योंकि मेरी अंतर चेतना कह रही है कि मैं आपको ये सब बातें बताऊं। आज सब कुछ चला, आज आज बहुत सारा चला, आक्रोश वाक्रोश सब पता नहीं क्यों चला इतना सारा। यूजुअली नहीं चलता है, आपने देखा होगा इतना नहीं चलता। हो सकता है कल को मैं मरने वाला हूं, क्या पता, अभी तो मेरे ठीक ठीक लग रहा है, तो हो सकता है कल को मर जाऊं। तो शिमाताचार्यों सारी बातें कह दूं भाई, मैं कहीं रह के ना हो जाए, वैसे चिंता मत कीजिए, मरने के बाद भी मैं आपके हृदय में आके आपके कानों में कह जरूर दूंगा जो छूट जाएगा, समय आने पे कहता भी रहूंगा आपके हृदय में, चिंता मत कीजिएगा। लेकिन मैं अभी भी अंदर जो आ रहा है ना, तो वो यही आ रहा है कि मैं बातें आपको बता दूं, शेयर कर दूं, क्योंकि ये चीज अगर समझ में आ गई हमें कि वो जो स्वर्णिम काल कहता हूं मैं, मृत्यु के काल को मैं कहता हूं स्वर्णिम काल, उस स्वर्णिम काल में हमारी जो मति होगी, चेतना की अवस्था होगी, और मां का प्रेम और सानिध्य हमें मिल रहा होगा, जानते हैं वो जो शरीर रहित अगली यात्रा होगी ना, बड़ी सुंदर होगी, और फिर हमें वो वाले काम भी मिल जाएंगे, हम खाली नहीं रहेंगे, हम किसी से कहेंगे नहीं, हम माँ से नहीं कहेंगे माँ हमें ये कर दो वो कर दो, हम कहेंगे हाँ माँ असाइनमेंट मिल गया एंड वी आर ऑन अवर ड्यूटी। और मुझे लगता है कि जो लोग आज इस काल में सक्रिय हैं वो खाली बैठने वालों में से नहीं है शरीर छोड़ने के बाद, दे नो इट, दे आर नॉट गोइंग टू सिट आइडली, दे विल एंजॉय देयर जॉब। पता है इन दुष्टों का ठिकाने लगाने का काम से बढ़िया कोई काम मुझे नजर नहीं आता है। आहा, एक की किसी इन सारे दुष्टों की खोपड़ी में घुसूंगा, इनसे उल्टे सीधे काम कराऊंगा मैं, अब ये करो अब ये करो, अब फिर इनकी जो दुर्गति होगी बड़ा मजा आने वाला है। मैं तो सोच सोच के बड़ा आनंदित होने लगता हूं, ओहो माँ या तो इसी शरीर से काम करा लो, ऐसी चित्त और चेतना से काम करा लो, वरना तो उसके बाद के काम में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 4-5 महीने बाद जो मेरी ये बातें सुन रहे हैं, आप मुझे कुछ ना कुछ पागल जैसा तो समझ ही रहे होंगे, जिसे कहते हैं ना ल्यूनेटिक, एक शब्द है ल्यूनेटिक इनसेन, डू यू फील लाइक दिस? और कुछ आपको बातें सही नजर आ रही है मेरी? अगर सही सही लगे ना, थोड़ी पालन कर लेना, बड़े फायदे में रहोगे। एक अंदर की बात आप सुन रहे हो, मृत्यु के काल की बात सुन रहे हो, मृत्यु के बाद की बात सुन रहे हो, बहुत काम आने वाली है। अगर मृत्यु के काल के लिए आप यह अपनी मन अवस्था, इस अवस्था की तैयारी आज से ही शुरू कर दो ना, भले ही आप 50 साल बाद आप शरीर छोड़ो, भले ही आप 70 साल बाद शरीर छोड़ो, भले ही आप शतायु को प्राप्त हो, लेकिन मेरी बातें आपके हृदय में हमेशा याद रहेंगी, और यही बातें आपको उस अवस्था के लिए तैयार कर देंगी, और मृत्यु यानी स्वर्णिम काल आपके लिए एक उत्सव होगा, सेलिब्रेशन होगा निश्चित रूप से। हाँ जसवीन बताओ फिर। एक और एक चीज बहुत अच्छी एक्सपीरियंस की थी। हाँ हाँ बताओ। हम लोग ऐसे लगता है ना डेथ, अभी भी डेथ होगी लगता नहीं नहीं लग रहा नहीं, हम लोग जैसे जब हम हेल्दी होते हैं तो हमें लगता है ना हम अभी नहीं मरने वाले हैं, हम ऐसे नहीं मर रहे। जैसे थोड़ा सा ज्यादा बीमार होते हैं तो कि अभी जैसे इधर बीच तो इतना कोरोना का चल भी रहा है, वैसे लगता नहीं नहीं मर सकते, एनी टाइम इट के रेडी तो तैयारी रहनी चाहिए। बिल्कुल, घबराना नको, नो घबराना, तैयारी पूरी रखना, घबराना नहीं है। ऊपर से अभी हम लोग इतने टाइम से मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं,
मरने की बातें करते हैं या लाइफ आफ्टर, ऐसे कि हमें चेतना के स्तर पे कैसे काम करना है, तो ऐसे ड्रीम सा लगता है। फिर जब ऐसे हो रहा होता है, फिर लगता है नहीं नहीं वो सब होने वाला है, बिल्कुल रेडी रहो। गिविंग अप बिकम्स मोर इजी। अभी जैसे जैसे होता है ना, क्लास में थियोरी की पढ़ाई हो रही है, फिर जैसे ही लैब में जाते तो सारा प्रैक्टिकल यूज होने लगता है, तो बीमारी का टाइम आपको प्रैक्टिकली यूज करने का होता है। देखो भाई, पढ़ा था मरने वालों देख लो हो रहा है। अभी जैसे मसल टूट रहा है मेरा, वो इतना पेन था, कितना ज्यादा हिल नहीं पा रही थी, ऐसे ही मर तुमको एक बात बता दूं, तुमको एक बात बता दूं, हम सब लोग इतना मजा ले रहे हैं ना क्योंकि हमने मृत्यु को स्वीकार कर लिया है। जानते हो, जो लोग दहशत में आ रहे हैं ना, मृत्यु से डरे सहमे से हैं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए तो डरे हुए हैं। और हमने खुशी से स्वीकार कर लिया, हाँ भाई आ जाओ, वी आर रेडी। तो अब मजा आ रहा है, अब कोई दिल में कुछ नहीं है दिक्कत, नो प्रॉब्लम, इसका उसका कुछ याद नहीं आ रहा, वी आर इन प्रेजेंट। एक ब्यूटीफुल बात बताता हूं, ब्यूटीफुल, बहुत काम की बात है साधना के लिए। मेडिटेशन के काल में जब भी आप अंदर से कनेक्टेड हो, बस एक बार प्यारी प्यारी इस मृत्यु को याद जरूर कर लेना। इस मृत्यु की स्मृति में, इस मृत्यु के एहसास में ना, इतनी शक्तियां छुपी हुई हैं, इतनी शक्तियां छुपी हुई हैं कि यदि आप मृत्यु को जीवित अवस्था में स्वीकार कर लेते हैं तो आप बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। यू विल बिकम मोस्ट पावरफुल पर्सन। आपको दुनिया में कोई डरा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, क्योंकि आपने मृत्यु को स्वीकार कर लिया तो आप अविजित हो गए हैं। यू बिकम अनकॉन्कर्ड, यू कैन नॉट बी ए स्लेव ऑफ एनी वन। आप गुलाम बनाए नहीं जा सकते, आप तो राजसिक हो गए, राजसिक, रॉयल। एक राजा होता है ना, अपने तरीके से जीता है, अपने तरीके से चलता है। यू बिकम रॉयल। मृत्यु में इतनी पावर होती है, एक्सेप्ट इट। कभी भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, किसी भी तरीके से आ सकती है, किसी भी दिशा से आ सकती है। आप ताकतवर हो, दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से आप हो यदि आप मृत्यु को स्वीकार करते हो। और श्री माता जी की अनुकंपा रही है, कई वाले सेशंस हमारे मृत्यु वाले ही चलते रहे। मैं समझता हूं आप में से ढेर सारे लोग अच्छी अवस्था में आ चुके हैं, मृत्यु को स्वीकार करने की स्थिति में आ चुके हैं आप। अब जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप हर क्षण मृत्यु को गले लगाने को तैयार बैठे हैं, और आपके सामने अगर कोई अत्याचार हो रहा होगा तब आप क्या करोगे, बताना क्या करोगे? उसके लिए फाइट करेंगे, स्टैंड करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पर है ना कि हम तो तैयार बैठे हैं मरने के लिए, अब तेरे को ये करने नहीं देने कि तू हमें मार दे, बिकॉज वी आर रेडी। अरे भाई, मैं किसी से कहूंगा ऐसे गुंडे से, मैं अक्सर ये सोचता हूं, कई बार ऐसे लोग कहते हैं ये गुंडा है गुंडा है, मैं भी ठीक है, गुंडा होगा अपने घर के लिए, अगर वो मारने आएगा हम कहेंगे भी ठीक है मार दे, पर ऐसे नहीं मरेंगे, तू मार नहीं सकता, हम तेरे से फाइट करेंगे, हो सकता है तेरे को हम ही मार दें। तो हमारे सामने किसी के साथ अत्याचार कर रहा होगा तो हम कोशिश करेंगे तेरे को रोकें, हम घबरा के भाग नहीं जाएंगे वहां से, बेफिक्र रहे। अब यहां पे जो गुंडे कौन है, जिन गुंडों की बात मैं कर रहा हूं, ये बाहर वाले गुंडों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जो सूक्ष्म रूप में जो राक्षस बैठे हैं ना, ये गुंडे। और फाइट हमने किससे करनी है? अपनी चेतना और चित्त से। और खूब नाराजगी और क्रोध के साथ, तू लुटेरा है, हमारे देश को लूट रहा है, तेरे को लूटने नहीं देने के, तू कर ले कितनी कोशिश, हम भी तेरे आड़े आते रहेंगे, तू सारे षड्यंत्र बना और हम तेरी विरोध करते हैं, हम तेरा पूरा प्लान नेस्तनाबूत कर देंगे। हम मां की संतान है, मां आदि शक्ति की संतान है, और शैतानों की, राक्षसों की हमारे सामने कुछ ज्यादा चल नहीं सकती है। ठीक है आज हम कम है ना, तेरे को लग रहा है तेरी फौज ज्यादा है, पर हमारी छोटी सी जो एक संग हमारी जो छोटी सी सेना है ना, तेरे करोड़ों लोगों के पे भारी है, ये समझ ले अच्छी तरह।
मुझे याद आती है ना गुरु गोविंद सिंह जी वाली बात, और एक घटना याद आती है कि कितने कम सिख ने 1,25,000 की फौज का एक मुकाबला किया था। तुम्हें याद होगा कोई वो वर्णन था ना कि कितने कम लोग थे, उन्होंने 1,25,000 लोगों के साथ फाइट की थी। एक 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 सिख ने 1,25,000 के साथ झगड़ फाइट किया था। तो दुष्टों याद रखना, हम वही हैं जो जन्म लेके इस काल में आ गए हैं। हम वही सिख हैं जो इस काल में जन्म लेके इस शरीर में आए हुए हैं। हमें तुम्हारी राक्षसी चीजों से डर वर नहीं लगता है, और अब हमें तलवार भी नहीं चलानी है बाहरी रूप में। है ना? चलो कोई बात नहीं। मैंने उसमें लिखा भी था अपनी अगली पोस्ट में कि पिछली बार मैं 100 ग्रुप में शामिल था। मुझे पता नहीं मुझे किस किस ने ग्रुप कर रखा था, तो 100 से ज्यादा ग्रुप में मुझे शामिल कर रखा था लोगों ने, सहजियों ने। और जब मैंने अपनी 28 अप्रैल वाली पोस्ट डालनी शुरू करी, जब मैं डाल ही रहा था तो 40 के करीब लोगों के ग्रुप्स के एडमिन ने मुझे ब्लॉक कर दिया। डर गए, वो पोस्ट ऐसी थी उससे डर लग गया उन्हें। और अफसोस की बात मुझे ये कहते हुए हो रही है, वो मानव कल्याण के लिए पोस्ट है। अगर आप 28 तारीख की उठा के देखोगे, जिसने नहीं पढ़ी है वो पढ़ ले 28 अप्रैल वाली, 28 अप्रैल की पोस्ट, वो मानव कल्याण के लिए थी। लेकिन वो डर गए, उन्हें अपना वो लगने लगा, ये वो फला फला फला। तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। कुछ 60 ग्रुप रह गए, 60 ग्रुप में मैंने डाल दी। उसके बाद मैं देखता हूं कि 30 ग्रुप वालों ने, एडमिन्स ने उसे अप्रूव ही नहीं किया। मैं और प्रसन्न हुआ। जानते हो क्यों प्रसन्न हुआ? कि 60, 30, 40 और 30, 70 70 ऐसे बेकार के एडमिन्स का मेरे जीवन में कोई काम नहीं है ग्रुप्स के, जो मानवता के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। मेरे लिए उनका कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैं प्रसन्न हुआ कि अच्छा है, मैं ऐसे लोगों के बीच में से, ऐसे एडमिन्स के बीच में से हट गया जिनकी मानवता के लिए कोई उपयोगिता ही नहीं है। और शिमाताई ने सहजी बनाए किस लिए है? सहज साधकों को तैयार किस लिए किया है? मानवता के कल्याण के लिए, जागृति देने के लिए। ठीक है, जागृति देने का काल जो था वो था, तब हमने जागृति का कार्य किया। फिर उसके बाद एक काल आया वर्टिकल ग्रोथ के लिए, हमने अपने भीतर में उतर के उस काल का कार्य किया। और आज जो काल आया है, आज इन नरकासुरों से, शैतानों से संघर्ष करने का काल आया है। तो इस संघर्ष काल में हम जागृति के चक्कर में कैसे पड़ सकते हैं? जहां घर घर में मृत्यु द्वारे पे खड़ी हो, इन दुष्टों के षड्यंत्र के कारण चीत्कार कर रही हो हमारी मानवता, तो अब क्या हम जागृति के चक्कर में पड़ेंगे? अब क्या हम भजनों पे डांस करेंगे? अरे कर लेंगे डांस वांस दोबारा, इस काल को तो निकलने दो, इन राक्षसों का तो संहार होने दो, कर लेंगे दोबारा। जब दोबारा इस धरती पर उपवन, सुंदर सा उपवन तैयार हो जाएगा, मजे करेंगे इस धरती पे, क्या दिक्कत है? लेकिन अभी तो फाइट का काल है ना। अब जो सेना के जो हमारे प्रहरी होते हैं, सुरक्षा प्रहरी, जो तैयार पड़े हैं, जब वो अपने छुट्टियों में घर आते हैं, छुट्टियों में जब वो घर आते हैं, तो क्या वो मजा नहीं लेते हैं? क्या वो आनंद नहीं लेते हैं? क्या वो मस्ती नहीं मारते हैं? हमारे सैनिक तो ऐसे हैं जो बॉर्डर पे भी मस्ती मार लेते हैं, संघर्ष करते हुए भी मस्ती मार लेते हैं, लेकिन वो मस्ती उनकी दूसरे टाइप की होती है। तो हम भी तो वो कर सकते हैं। यदि हम शिमाता जी के फौज के सैनिक हैं या हम सोल्जर्स हैं उनके, तो हमें अभी अपनी इस प्रकार की मस्तियों के बारे में थोड़े दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। अभी सारा चित्त और चेतना भजनों पे भांगड़ा करने के स्थान पर, या भजनों में गायन में लगाने के स्थान पर, हमें संघर्ष में लगाने का समय है। ये वक्त की आवश्यकता है। और ध्यानस्थ होकर हमें अपनी चेतना और चित्त से कार्य करना चाहिए। ये वो काल है, ये संघर्ष काल है। अगर आप इस अद्भुत काल में अपना योगदान देने में कामयाब हो गए, तो आप जैसों को सारा संसार याद रखेगा,
और सारा संसार, जागृत संसार ये कहेगा ये वो लोग हैं जिनकी वजह से मानवता बची है आज, इनकी वजह से आगे की पीढ़ियां बच गई हैं, आपको इतना सुंदर सुंदर घटनाक्रम जीने का मौका मिलेगा। भले ही आप शरीर में हो उस वक्त या शरीर से बाहर हो, पर आप इन सब चीजों का आनंद ले रहे होंगे और लोग हृदय से आपका शुक्रिया अदा कर रहे होंगे, आपके कार्यों के प्रति कृतज्ञता महसूस कर रहे होंगे। कल्पना कीजिए और कितने सारा प्रेम आपको मिल रहा होगा शरीर रहते हुए भी, और शरीर ना रहने पर भी आपको प्रेम ही प्रेम मिल रहा होगा, और चेतना में कितना आनंद आ रहा होगा, जीवात्मा कितनी प्रसन्न होगी, और जीवात्मा में आ रहा होगा आहा परमात्मा, हे माँ आपने हमें शरीर रूप में जन्म दिया, आपने हमें सामर्थ्य दिया, हम अपने शरीर रूपी जीवन को सार्थक बना पाए और शरीर के बाद भी जो जीवन मिला है उसका भी हम भरपूर आनंद उठा पा रहे हैं। माँ आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपको कोटि कोटि प्रणाम। तो सैनिकों, योद्धाओं, ये काल भजनों भजनों का या बस चुपचाप खो जाने का समय नहीं है, संघर्ष का है, युद्ध का काल है ये। बिना डरे बिना चिंता किए इस युद्ध में अपनी अपनी भागीदारी को अर्पण कर दो। जस्ट कंट्रीब्यूट योर प्रेजेंस ऑफ योर स्पिरिट, ऑफ योर अवेयरनेस, ऑफ योर अटेंशन एंड कीप ऑन फाइटिंग विद ऑल द डेविल्स, ऑल द मॉन्स्टर्स, ऑल द डेमन्स, ऑल द वेम्पायर्स हु आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय ह्यूमन रेस, ह्यूमैनिटी। राइट, टाइम क्या हो गया? अरे 1:30 बजने वाला है, सवा एक। चलिए अब कैसा लग रहा है अंदर से? ठीक है, शरीर बीमार है, अंदर कैसा लग रहा है? हाँ, अंदर तो अच्छा ही लग रहा है। क्या हम तुम्हें अगले क्या हम सब तुम्हें अगले हफ्ते जीवित देख सकते हैं? अगले सप्ताह पता चल हाँ, जाएगा। देखो भाई, तुम ये जूम की मीटिंग होस्ट करती हो, हमें होस्ट वोस्ट करना आता नहीं है। एक काम करना, अगर तुम्हें लगे तुम मरने वाली हो तो किसी को सिखा के चली जाना, कोई और कर लेगा। हैं? पक्का? और मैं भी आपसे वादा करता हूं, मैं भी आपसे वादा करता हूं, यदि मुझे मरने लगे कि मुझे मरने का समय आ रहा है तो हर हफ्ते नहीं, मैं हर रोज आप सबों से बातें करूंगा और जाने वाले अंतिम पलों से पहले आप सब से बातचीत करके ध्यान के साथ आनंद लेते हुए जाऊंगा, ये मेरी प्रॉमिस है आप सब से। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मेरे भीतर से इस वक्त जो आ रहा है वो मैंने आप सबके सामने रख दिया है। अगर मुझे लगने लगा कि तेरा समय आ गया है बच्चे, तो ठीक है, फिर जूम सेशन डेली होंगे, चाहे 1 घंटे के लिए हो। राइट? क्योंकि क्योंकि जमा के एक क्योंकि एक कार्य बात से है। क्या क्या मैं बहन, रमनी बहन बोली, क्या जमा क्या? के कार्य से ना हाँ माँ जी, को लंबी आयु देती है। क्या कह रहे हैं बहन? जो बच्चे माँ के कार्य करते हैं, करते रहते हैं, उनको माँ लंबी आयु देती है। बहन, एक जो योद्धा होता है ना, माँ का सैनिक होता है ना, वो आयु के बारे में नहीं सोचता कभी, क्योंकि उसे पता है इतनी बड़ी शैतानों की फौज है, संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, हमें भारी रूप से सैनिक नहीं बनाया, पर हमारी अंतर चेतना तो सैनिक वाली ही है, वही है, उससे हल्की नहीं है। तो अब कुछ भी हो सकता है, अब ये जो राक्षस हैं इन्होंने एक झूठी झूठी बीमारी सारे वर्ल्ड में फैला दी है, क्लोन बनाया इसका, इस वाले वायरस का क्लोन बनाया आर्टिफिशियली, सिंथेटिकली, केमिकल लेवल उस पे लेबोरेटरी में उसको सारे में फैलाया, अपने कुकर्मों को ढकने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र चला रखे हैं इन्होंने,
अभी और भी षड्यंत्र आने वाले हैं आपके सामने, जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे हमें मालूम नहीं है, इसीलिए आज मैंने ये प्रॉमिस किया, अगर ऐसा होने लगेगा तो फिर डेली सेशन होगा जूम का, क्योंकि मैं चाहता हूँ अपनी शरीर रूप में जो भी मेरे को चेतना में अर्जित कराया है श्री माता जी ने, जो भी प्राप्तियां दी हैं, वो मैं आप सबके साथ शरीर रूप में बांट के जाऊं, शरीर के बिना भी मैं आप सबके साथ रहूंगा, नो डाउट, पर इस तरीके से आवाज मेरी सुन नहीं पाएंगे ना आप, फिर मेरी आवाज दूसरे किस्म से सुन पाएंगे आप, लेकिन अभी इस रूप में सुन लीजिए, क्योंकि ये वाली वाणी तो आने वाले समय में सबको YouTube के सामने आ सकती आएगी ना। जसलीन, हाँ जी, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो भाई जो तुम पे रिकॉर्डिंग है उसे पब्लिश कर देना किसी चैनल से बना के या एक बात ये भी हो सकती है, अगर मेरे को ऐसा लगने लगा मैं मर रही नहीं वाला हूं, तो मैं तुम्हें इसका पासवर्ड बता दूंगा इस वाले चैनल का, उसमें रोड कर देना, अच्छा ठीक है ठीक है। ये बात तो हो सकती है, आसान चीज है, नए चैनल बनाने से अच्छा है। और अगर मैं इस स्थिति में नहीं रहा, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि मैं तुमको ये भी ना बता पाया, तो भाई तुम अपना कोई चैनल बना देना, ठीक और है, क्या करना, अपना कोई चैनल बना के मेरे वाले चैनल को लिंक कर देना, लिंक हो जाते हैं चैनल, ताकि जो उनमें पड़ा हुआ है वो सब तक पहुंच जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियो पब्लिश होने हैं जो उनमें ऑलरेडी लोडेड हैं, वीडियो कुछ लोडेड हो चुके हैं और उनकी डेट भी उसमें डल चुकी है, तो पब्लिश होने हैं, तो अगर तुम उसे लिंक कर दोगे तो तुम्हारे अपने चैनल के साथ आगे चल जाएगी यात्रा आगे की। याद रखना, जिंदगी में शरीर बदलते रहेंगे पर जीवन कभी नहीं रुकता। अभी हम शरीर रूप में मिले हुए हैं, हम फिर बिना शरीर के मिलेंगे, जीवन तो चलेगा, जीवन समाप्त नहीं होना है। और टारगेट मैंने आप सबको बता ही दिया है भाई, जब भी मौका आए शरीर से बाहर निकलो और इन दुष्टों की गर्दन पकड़ लो, बस इस संसार में मानवता के दुश्मन है, उनकी गर्दनें पकड़ने का बड़ा दिल कर रहा है। अरे हनुमान जी, कुछ इसी जीवन में ही शक्ति दे दो कि शरीर रूप में ही किसी तरह या सूक्ष्म रूप में जाके इनकी गर्दनें पकड़ सकें, कुछ तो कर दो, बड़ा दिल करता है। हाँ, कोई शक्ति वक्ति दे दो श्री माता जी, ये जो बदतमीजियां कर रहे हैं देखी नहीं जाती अब। भैया एक मूवी आई थी अनिल कपूर की, उसको एक दिन का पीएम हाँ, देखी बनाया थी, नायक नायक था नायक। अब नायक। आज मुझे सुबह से पता नहीं थॉट आ रहा है मेरे को आपके लिए कि ऐसा पीएम हूं, नहीं, मेरे मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। सिक्का का कोई लालच ही नहीं है ना, बट देश को सुधारने के लिए ऐसा ही बनना चाहिए तो देखो ऐसा है ना, मेरे को पीएम बनने की मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। वैसे तो ये जो स्वांग रचने वाला पीएम है वो तो अनपढ़ ही है बिल्कुल, तो 8वीं पास भी नहीं होगा, झूठी डिग्रियां दिखाने से कोई ग्रेजुएट नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी मेरे टेम्परामेंट में शामिल नहीं है। हाँ, जो पीएम होगा, जो देश को ईमानदारी चलाने में होगा, मेरा वादा है, मैं शरीर के रूप में रहूं या बिना शरीर के रहूं, मैं उसके साथ हूंगा, उसकी मदद करने को तैयार रहूंगा हर समय। जितने भी पूरा सिस्टम बनेगा, पीपल्स गवर्नमेंट होगी, उसका जो भी सिस्टम होगा, मैं उन सब के साथ हूं अपने देश के लिए। और मैं खाली देश की ही बात नहीं कर रहा, ये जो दृश्य है ये मैं पूरे विश्व के लिए देख रहा हूं, कि पूरे विश्व की जो गवर्नमेंट होगी वो पीपल्स गवर्नमेंट होगी, बड़े ऊंचे दर्जे के मौजिद ईमानदार और संसार का कल्याण करने वाले लोग उस सिस्टम में होंगे और वो पूरे विश्व को चलाएंगे, ये मेरा स्वप्न है, ये मुझको महसूस होता है कभी कभी ऐसा होगा। और जितने भी लुच्चे लोग हैं ना राजनीतिक पार्टियों में बैठे हुए, गंदे लोग, कुछ अच्छे भी हैं बेचारे, वो पिस रहे हैं इन दुष्टों के साथ में, तो वो लोग भी उसमें शामिल हो जाएंगे, देश सेवा करेंगे। मुझे ध्यान आता है 1947 के टाइम में जो भी पार्टी बनाई गई थी, जो नेता थे ना, बहुत ईमानदार अच्छे नेता हुआ करते थे,
जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण भी निछावर किए, जिन्होंने इतना समय उसमें दिया, जेलों में बंद रहे, वो बहुत अच्छे लोग थे। आज ये सारे लुच्चे लफंगे चोर उचक्के आज ये राजनीतिक पार्टियों में घुसे हुए हैं, और खास तौर से सत्ता के अंदर तो बहुत ही घटिया स्तर के लोग हैं, पैसे के लोभी, सत्ता के लोभी गिरे हुए लोग हैं ज्यादातर। मैं भर्त्सना करता हूं इन सबकी, इतने घटिया लोगों की भर्त्सना करता हूं, और इससे भी ज्यादा भर्त्सना करता हूं इनके गुलामों की, इनके अंधभक्तों की भर्त्सना करता हूं। इन लोगों से भी ज्यादा भर्त्सना उनकी करने का दिल करता है, लुच्चों की, बिल्कुल अंधे, बिल्कुल पागल, परमात्मा प्रकृति के चलने विपरीत चलने वाले लोगों के साथ खड़े होकर उनकी जयकारे लगाते हैं। घिन आती है ऐसे लोगों से, घिन आती है वास्तव में। फिर मुझे रोष आने लग जाएगा, अब नहीं करता मैं बात अब अगर ज्यादा रोष आया तो फिर मुझे अभी मरना पड़ेगा, क्योंकि शरीर रूप में मैं वो सब कर नहीं सकता आजकल इतने विचार आते हैं, और विचार आते भी सिर्फ गवर्नमेंट के ही हैं कि क्या करी है, जिन्होंने शपथ ली थी देश की रक्षा के लिए, देश का कल्याण करने के लिए, और वही लोग लुटेरे बने बैठे हैं विचार दिन रात ये ही आते हैं। अब पहले किसानों के आते थे, अब ये शुरू हो गए। अच्छी बात है ना बहन, अंदर से अभी को आता है। श्री माता जी ने हमें अपने चरणों में स्थान दिया, ठीक है, अंदर से जागृति दी, साधना कराई, साधना में मदद करी हमारी, अपना सानिध्य दिया। अब क्या ढपली बजाने के लिए दिया है, या झुंझुना बजाने के लिए दिया है, या समाधि लगाने के लिए दिया है खाली? अरे समाधि लगाना इसलिए है कि हम अपने आप को अंदर से ऊंचा उठा सके, बस। अब ऊपर रोज ऊपर उठ रहे हैं तो कार्य करो, मानव कल्याण के लिए कार्य करो। अब मानव कल्याण में ऐसा नहीं है खाली जाके कहीं जाके गरीबों को खाना बांट दो, हमारा मानव कल्याण करने के लिए अलग तरीके से तैयार किया है हमें, हमें भारी रूप से कार्य करने के लिए नहीं बनाया है। वो बात अलग है, किसी की आपने सामने आप कर सकते हैं तो ठीक है, पर उसमें लिप्त नहीं हो जाना है। हमारा कार्य बहुत अलग स्तर का है, हमारा कार्य चेतना चित्त से संचालित होता है, हमारा कार्य बिल्कुल डिफरेंट है। ढपली बजाने के लिए और भजनों में डूबने के लिए आए हैं, झुंझुना बजाने के लिए और उस पे भांगड़ा करने के लिए नहीं बने हैं हम लोग। हम साधक साधिकाओं को श्री माता जी ने इस विश्व कल्याण के लिए तैयार किया है, जो ध्यानस्थ अवस्था में, पूरी जागृत अवस्था में चित्त और चेतना की शक्तियों का इस्तेमाल करें, मां से प्रार्थना करते रहें, इसलिए नहीं बनाया हमें। यदि जो लोग ऐसा सोचते हैं बस बस हमारे चक्र साफ हो जाएं और नाड़ियां सही हो जाएं, अरे भाई वो तो गए, गया टाइम, चक्र नाड़ियों का समय चला गया, अब तो युद्ध करने का टाइम आया है। अब तो केवल केवल एक काम करना है, सेस्त्रार हार्ट में कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करो, बस कुछ मत करो, सेस्त्रार हार्ट को पकड़ के बैठ जाओ और ऊर्जा को महसूस करो और युद्ध करो चित्त से चेतना से। अब ये युद्ध का समय है, अब ये समय नहीं है, क्योंकि बहन हम सब भी नहीं जानते कि शरीर रूप में हम पे कितना समय बचा है, हम नहीं जानते हम में से कोई किसी को भी तो नहीं पता शरीर रूप में हम पे समय कितना बचा है। कारवां चले जा रहा है, शरीर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं लोग, हमें ही नहीं मालूम कितना समय है हमारे पास, लेकिन जितना भी समय है इसका भरपूर इस्तेमाल करना है, पूरा उपयोग करके जाना है, खाली नहीं बैठना है एक पल के लिए भी। मैंने आपको बताया ना, रोज रात को 3 और 4 बज जाते हैं, बड़ी मुश्किल से 5 घंटे 4 घंटे सो के उठता हूँ, पूरा शरीर गिरा रहता है, मुझे कई दिन हो चुके हैं, 10-15 दिन 12 दिन हो जाएंगे ऐसी जीवन जीते जीते, शरीर बिल्कुल ढैप हुआ पड़ा है, आंखों से अल्फाबेट दिखाई नहीं देते जब मैं लिखता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, समय नहीं है ना, आराम आराम कर लेंगे बाद में, फिलहाल हाई टाइम है भतेरा आराम करा हमने, भतेरी मस्ती मारी है हमें भगवान ने, श्री माता जी ने कोई कमी हमारे जीवन में नहीं छोड़ी है, कोई लालच नहीं रह गया, कोई लालच कह रहा हूं मतलब किसी चीज की इच्छा नहीं रह गई, लालच तो कभी था ही नहीं,
कोई चीज अगर अंदर से इच्छा थी वो भी खत्म हो गई, सब पूरी करा दी श्री माता जी ने। आज कुछ नहीं है, बस आप तो एक ही इच्छा है, इन इन जो ये जो दुष्ट है ना, ये नरक नरक के वासी जो मानव देह में हमारे संसार में बर्बादी कर रहे हैं, इनका संहार करने का दिल करता है बस। अब तो यही इच्छा रह गई, यही शुद्ध इच्छा है, इन सबका सर्वनाश, इन सबका संहार बस, और कोई इच्छा ही नहीं बची आज के काल में। कोई कमी नहीं छोड़ी है श्री माता जी ने हम सबके जीवन में, भरपूर जीवन हम जी रहे हैं, भरपूर जीवन जी चुके हैं हम, है ना बहन, है कोई कमी? और हमारी आगे की पीढ़ी का क्या होगा हमारे बाद, वो माँ अपने आप देख लेंगी, हमें नहीं चिंता करनी उस चीज की, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी को परमेश्वर ही ने ही जन्म दिया है, वही उन्हें संभालेंगी। हमें भी तो उन्होंने संभाला, अपने हर बच्चे को अपने आप तरीके से संभाल लेती हैं। हमारा कर्तव्य था अपनी अगली पीढ़ी के लिए, उनके लिए जो सुख सुविधाएं व्यवस्था उनकी शिक्षा के लिए थी वो हमने कर दिया, अब हम कर चुके हैं उन शिक्षाओं इच्छाओं का, आगे की हमें चिंता नहीं करनी है। पढ़ाई की जिम्मेदारी जरूर मैं मानता हूं, पढ़ाई के आगे की जिम्मेदारी नहीं माननी चाहिए कभी भी किसी को, क्योंकि उसका निर्धारण ईश्वर ने करना है। पढ़ाई तक का एक हमारी जिम्मेदारी है, बच्चे इस स्तर तक पढ़ जाएं कि अपने पैरों पर खड़े होने की व्यवस्था हो जाए। उसके बाद बहुत से सोचते हैं हम अपने बच्चे की शादी कर दें, हम अपने बच्चों के जो बच्चे हों उसका ध्यान रख लें, ना ना ना, फिर ये लालच में फंस गए हम मोह ग्रसित हो चुके हैं। पढ़ाई तक का मैं मानता हूं, पढ़ाई बच्चों को अपने पांव पे खड़े करने तक की जिम्मेदारी पेरेंट की है बस, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और ये बात बिल्कुल पक्की तौर से सही बता रहा हूं मैं आपको, आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। तो हम मुक्त अवस्था की चेतनाएं हैं जिनका एक ही कार्य है, आज की तारीख में आज का एक ही टारगेट है, इस मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करना, मानव जाति को बचाने के लिए कार्य करना। आपने मेरी ये पोस्ट देखी अभी जो परसों की, उसका नाम, उसका टाइटल क्या है? जागो और जगाओ, मानव जाति को बचाओ, भाग एक है लंबी पोस्ट है, वो भी बहुत टाइम लगा हुआ आपको बहन। अभी भी और तैयार हो चुकी हैं पोस्ट, आगे की पोस्ट तैयार हैं लगभग, उन्हें भी पोस्ट करूंगा, लेकिन कमर टूट गई है लिख लिख के, और मैं ऐसी अवस्था में भी रुक नहीं सकता क्योंकि समय नहीं है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो इसी काल में पोस्ट होनी आवश्यक है, क्योंकि इन पोस्ट के जरिए न जाने कितने सहजी बच जाएंगे फंसने से इनके चंगुल में। अब ये जो वीडियो है मैं इन्हें कट शॉर्ट करके आज नहीं डाल सकता, क्योंकि ये वीडियो अपने ही काल में पब्लिश होंगे, इसे मैं ये काम नहीं कर सकता कि आज सोचूं आज के लिए ये वीडियो आज ही कर दूं, ना, ये आज के लिए है भी नहीं, ये उसी काल के लिए है जब इनका समय आएगा। लेकिन पोस्ट आज के लिए है, पिछली वाली जो पोस्ट थी 28 अप्रैल वाली, आपको जान के प्रसन्नता होगी, मुझको ऐसा आभास हो रहा है कम से कम 20-25 हजार व्यू हो चुके हैं उस पोस्ट के। मेरे इंपल्सिस वाले पेज पे ही वो 9,500 के करीब दिखा रहा है, और कई सारे ग्रुप में वो पोस्ट हो चुकी है, बहुत सारे वहां भी कई व्यू हो चुके हैं, और कुछ लोगों ने तो कॉपी और पेस्ट करके आगे बढ़ाया है, वो व्हाट्सएप में भी चल रही होगी ये पोस्ट, ये पोस्ट व्हाट्सएप में भी चलनी शुरू हो जाती हैं। भले ही मेरी फेसबुक वाले मेरे जो मित्र गण हैं वो प्रत्यक्ष में आके लाइक लाइक ना दिखाएं, कमेंट ना करें, पर मैं जानता हूं ये सारी पोस्ट व्हाट्सएप होती हैं कोई तो अपने अपने फेसबुक पे अपने नाम से ही डाल देता है, कोई मुझे इससे कोई नहीं फर्क पड़ता, नाम वाम में कुछ नहीं रखा है, ज्ञान उसी परमेश्वरी का है, नाम उसी का है, इस ज्ञान पे मेरा आपका आपका किसका कोई ज्ञान नहीं, सब उन्हीं का ज्ञान है। हाँ, माध्यम का नाम जरूर आ जाता है इसमें, किस माध्यम से ज्ञान आ रहा है वो एक डिफरेंट चीज है, पर
पर कोई अपने नाम से भी छाप रहा है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैसेज से इम्पोर्टेंट है, मैसेज जाना चाहिए बस। पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों की संख्या में व्हाट्सएप पे फ्लोट करती रहती हैं पोस्ट, क्योंकि ये परमेश्वर ही भेजवाना चाहती हैं तो जा रही हैं। तो बहुत से लोग बेचारे मेरी फेसबुक फ्रेंड में ये है, चिंता में आ जाते हैं, अरे अरे फला वाले जो सेंटर कोऑर्डिनेटर है उसे तो अच्छी नहीं लगती इनकी बातें, अगर मैंने लाइक कर दिया तो वो देख लेगा कि मेरी पोस्ट लाइक कर दी, फिर क्या होगा, वो मेरे सामने आएगा तो मैं क्या कहूंगा, अरे वो ट्रस्टी है ना ट्रस्टी, अगर उसने देख लिया मैंने लाइक कर ली तो वो ट्रस्टी के निगाह में बुरे बन जाएंगे हम बेचारे। कुछ मेरे मित्र जो है ना फेसबुक फ्रेंड ऐसे भी हैं, मैं जानता हूं उनके दिल की, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल शिकायत नहीं है मुझे। मैं वहां पे पोस्ट इसलिए करता ही नहीं हूं कि लाइक मिले, आई नेवर डू, आई नेवर पोस्ट एनी पोस्ट फॉर द लाइक्स फॉर द कमेंट्स, मेरा एक ही उद्देश्य है जो भीतर में आ रहा हो वो मैसेज सब तक चला जाए, दैट्स ऑल। मुझे क्या चिपक है फेसबुक से, क्या चिपक है यूट्यूब से, मैसेज आगे जाते रहे इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने एक मिनट जरा ये खत्म हो गई बैटरी।